महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध महायज्ञ के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए पर उसका दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दिल बड़ा होगा तब सब संकट आपसे अपने आप दूर हो जाते हैं। इस सोच से जो काम करता है उसे समाज का, राष्ट्र का विकास होता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार का हर सदस्य इसी सोच के साथ कार्य कर रहा है और दुनिया को विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहा है। सीएम शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर बाला साहब के सपने को साकार किया। बाला साहब का सपना था कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो और प्रधानमंत्री ने उनके सपने को पूरा कर दिखाया। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति व्यक्तियों को ऐसे कार्यक्रमों में अवश्य जाना चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों में उन्हें दशा और दिशा मिलती है। नवी मुंबई से मंगला वाघे की रिपोर्ट। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से मुंबई अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन किया है। इस अति पावन अवसर पर उपस्थित हमारे देश की रक्षा मंत्री, एक बुलंद आवाज आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और जब अभी अभी हमें सब ने जिनको सुना वो आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, ये प्रमुख है मुंबई अश्वमेध यज्ञ के। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी मैं समझता हूं कि एक दिशा मिलेगी। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट, किधर ले जाना, सनमार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज, ऐसी राज व्यवस्था, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सनमार्ग की ओर ले जाने का काम करे उसे ही हम राजनीति कहते हैं। परंतु विगत कई दशकों से यह भारत की राजनीति की विडंबना रही है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है और भाव भी खो चुका है। और मैं समझता हूं कि यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले राजनेता ऐसे समागमों में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति शब्द का खोया हुआ वह अर्थ और भाव पुनः वापस होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास।